नमस्कार सुंदर संसार यूट्यूब चैनल को आपण मानू पुणि थे स्वागत। प्रथम देखते सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई दिंतु। महापुरुष हितवाणी स्वार्थर वनीता अटे तो सामद भय मिथ्या पुत्र राज्य रे विप्लव निश्चय घटिब एमाने हेले कत्र। उत्कल गौरव मधुसूदन दास। उत्कल गौरव मधुसूदन दास जन्म हुए 28 अप्रैल 1848 सत्यभामापुर कटक ठारे एवं ए महापुरुष देहांत हुए 4 फेब्रुआरी 1934 85 वर्ष बयस। एक महान वीर जी आम ओडिया भाषा प्रति अनेक भूमिका ग्रहण करछंती। ओडिया भाषा रो एक स्वतंत्र राज्य प्रदेश गठन पाई जी तांकर भूमिका रही से विषय रे तुम साहित्य बहीर हजिला दिन रो कथा प्रसंगटी को आज आम पाठ करिबा। हजिला दिन रो कथा लेखक रमेश चंद्र भंज। एठारे लेखक रमेश चंद्र भंज सुंदर भाव में मधुबाबूंकर सरल जीवन एवं गरीब निसहाय मानू किपर साय सुंदर भाव वर्णना करे। आसतु से ही हजिला दिन कथा को आज पाठ करवा। सकाळ पुल्ला देह को बड़ हित बेस फूर्ति लगे सतेज लगे। से दिन मधुबाबू सबुदिनिया सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसता नीति किल्ला पड़िया रे घेराए बुली न आसिले बाबू को शांति लगे ना। बेले बेले बारबाटी कड़ दे महानदी कूड़े कूड़े थड़ाए बाट चली जाती। हाथ में थाए सिंगबाड़ी घर लेटाणी मनटा टिके हालुका लगे। सिंगबाड़ीटा हाथ में घूर थाए काली अंधारू से बाहरी जाती फेरु फेरु कौल खरा पड़ जाए। से दिन कहीं जाणी टिके सहल लेटी आसी हता भितर पशु पशु आखिरे पड़ा गिना गडू ठेकी ढाल थुआ हो कतरा कस्ता पिंधा स्त्री लोक केतटी अपेक्षा करी ठिया होती। सेमानंक काखरे कुनी कुनी छुआ बाबू को देखी सभी सौंकी गले। वर्तमान केतक कठिन शब्दर अर्थ आम जानवा। प्रथम थड़ाए बाट हूँ किसी बाट से हीपरी सिंगबाड़ी जो आम बंकुलवाड़ी रही आम सिंगबाड़ी कहती से हीपरी काली अंधार बोले भोर सकाल भोर्रु सकाल शीघ्र फेरी आसे से दिन मधुबाबू शीघ्र फेरी आ पाने। यही प्रश्नर उत्तर को तुम्हें लिखा पूर्व तुम प्रथम अनुच्छेद को भल भाव पढ़व तापर आम को 9178426365 नंबर में ह्वाट्सअप कर। प्रथम प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर गोटे बा दुईट वाक्य लेख करे नीति के मधुबाबू घेराए बुलंती। ख सकाळ बुला समय रे मधुबाबू हाथ में कौन थाए। ग सकाळ बुलारु फेरी मधुबाबू कौन देखिले। दुई नंबर रे तुम साहित्य कलिका पुस्तकर पृष्ठा 6 पढ़ लेख। आपंक आम भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर कमेंट करने भूलिबे नहीं। सर्वप्रथम देखुले सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजाई दिंतु। थे आपन सहित देखा हे आउ एक शिक्षण भिडियो सहित से विदाय रोची।